15 पर आप देख रहे हैं सफर जायके का। इस वक्त मैं मिसेज रमणी रलन की कुकिंग क्लासेस के अंदर खड़ा हूँ GK1 मार्केट में। परफेक्ट कुकरी ट्रेनिंग सेंटर के नाम से इनकी ट्रेनिंग क्लासेस हैं, जो पिछले 35 साल से कुकिंग सिखा रही हैं। खास बात इस जगह की है कि मिसेस रमणी सिर्फ उन लेडीज को ही कुकिंग नहीं सिखाती हैं जो अपने घर पे अच्छा खाना बनाना चाहते हैं, बल्कि प्रोफेशनली भी कुकिंग सिखाती हैं। काफी सारे रेस्टोरेंट ओनर्स ऐसे हैं जिन्होंने मिसेस रमणी रलन से कुकिंग सीखी और अब अपना फूड ज्वाइंट रन कर रहे हैं। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज का नाम है दि खानसामा। दि खानसामा के अंदर हम आपको कुछ रेसिपीज की कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे, हम रेसिपीज बनाएंगे, रेसिपी का पूरा प्रोसीजर हम आपको बताएंगे और उसके बाद उस रेसिपी को टेस्ट करके उसका रिव्यू भी आप तक पहुंचाएंगे। आज के एपिसोड में हम चॉकलेट केक बेक करेंगे और हम देखेंगे इस चॉकलेट केक की रेसिपी क्या है और उसका टेस्ट कैसा है। आज हम क्या बना रहे हैं? आज मैं आपको कर्ड केक बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि ये सबसे आसान है। ओवरऑल जो प्रोसीजर है इसका बनाने का, उसमें कितना टाइम लगता है? 10 मिनट्स में पूरा केक तैयार हो जाएगा विद आइसिंग। राइट। केक बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, चीनी, दही, नमक, मीठा सोडा, कोको पाउडर, ऑयल एंड वनीला एसेंस। सबसे पहले हम छानेंगे मैदा अबाउट 3/4 कप, 2 कप। पौने 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 3/4 टीस्पून मीठा सोडा, दिस इज सोडा बाय कप। सबसे पहले हम ये इंग्रेडिएंट छान लेते हैं। आपको मैं ये बताती हूँ कि छानते क्यों हैं। एक्चुअली जब भी हम कोई केक बनाते हैं ना, तो उसमें एक बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज आना चाहिए, थोड़ी सॉफ्टनेस आनी चाहिए। अगर हम इसको छानेंगे नहीं तो इसमें एयर नहीं आती, हमें एयर चाहिए इसलिए हम छानते हैं। हम इसमें डालेंगे 1 कप, ये 1 कप है, मेरे को इसमें नापने की ज़रूरत नहीं है। दही, शुगर, आप घर में पीसी हुई चीनी ले सकते हो, ये मेरे पास कैस्टर शुगर है। आप चाहे तो ग्रैनुअल शुगर जो होती है वो भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिक्स हो जाती है। वनीला एसेंस अबाउट 1 टीस्पून। ये सबसे आसान केक है, बहुत आसान है। और मैंने बहुत साल पहले DD एक सिर्फ एक ही चैनल होता था, DD मेट्रो तो नहीं, मैं कल DD का ये दूरदर्शन चैनल होता था, उसमें मैंने ये होली वाले दिन मैंने ये रेसिपी बनाई थी और लोगों ने बहुत ही पसंद करी, और ये ओरिजिनल मेरी अपनी रेसिपी है। ये जो रेसिपी है बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, 6 मिनट में केक तैयार हो जाता है विद आइसिंग, 10 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा। और इसको आप आइसक्रीम के साथ चॉकलेट सॉस डाल के सर्व कर सकते हो, और ये गर्म गर्म केक बहुत अच्छा लगेगा, विंटर्स के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा लगेगा। ये हमने मिक्स कर लिया है, काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया। इसके लिए हमें कोई बीटर की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो आपने मिक्सी में चलाना है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि रेसिपी को आप फॉलो करो। अगर कोई रेसिपी मिक्सी में चलाने वाली है तो मिक्सी में ही चलाएंगे, अगर वो रेसिपी बीटर से बनाने वाली है तो बीटर से बनाएंगे, अगर वो रेसिपी चम्मच से बनाने वाली है तो आपने चम्मच से ही बनानी है, ठीक है, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो ये रेसिपी हमारी चम्मच से बनाने वाली है और इसको हम वन डायरेक्शन में मिक्सिंग करेंगे। वन डायरेक्शन में क्या होगा, हवा जाएगी इसके अंदर। अब मैं इसमें डालूँगी छना हुआ मैदा, अगेन मिक्स इट, फिर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक ही डायरेक्शन में। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो गया है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी या दूध कुछ भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अबाउट अगर आपका दही काफ़ी गाढ़ा है तो थोड़ा सा दूध या पानी कुछ भी ऐड करना पड़ेगा। अभी मुझे भी लग रहा है कि मुझे डालना पड़ेगा इसमें,
तो हम इसमें डालेंगे अभी। ये इतनी थिकनेस नहीं चाहिए, इसका जो बैटर है थोड़ा सा फॉलिंग जैसे रिबन की तरह गिरना चाहिए। तो अभी ये हमें इसमें भी दूध या पानी डालना पड़ेगा। इसमें मैं 1/4 कप पानी का डाल रही हूँ। देन अगेन मिक्स इट इन 1 डायरेक्शन। कई बार दही काफ़ी पतला होता है ना, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये हमारा बैटर तैयार है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। मेरा ख्याल है ये रेसिपी आप सब लोग ट्राई करोगे, यहाँ तक कि ये बच्चे भी बना लेते हैं। और ये मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ। माइक्रोवेव में आपको 6 to 7 मिनट्स में केक तैयार होगा। अगर आप इसमें ओवर बेकिंग कर दोगे तो सूख जाएगा, एकदम ड्राई हो जाएगा। इसको आपने बेकिंग में नहीं करना है, आप इसको करोगे जिसमें खाना बनाते हैं ना, जैसे खाना गर्म करते हैं। मिक्सिंग कर दिया, अब मैं इसको शिफ्ट करती हूँ। ये आपकी जो रेसिपी है 8x8 डिश में जाएगी। अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हो तो आप OTG में भी बना सकते हो। फिर ये रेसिपी को आप एल्युमिनियम के किसी भी मोल्ड में डाल के, जो केक मोल्ड होते हैं उसमें डाल के आप इसको बेक करोगे 35 से 40 मिनट। अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हो तो 6 से 7 मिनट। ओवर बेक नहीं करना ना रेसिपी को, ना तो ओवन में ना तो माइक्रोवेव। मैंने इसके नीचे कोई ऑयल नहीं लगाया, कोई पेपर नहीं बिछाया, क्योंकि हम इसी डिश में ही सर्व कर रहे हैं। तो हम इसको एज इट इज एज ए डेजर्ट हम सर्व करेंगे। पहले इसको पूरा लेवल कर देना है, एक तरह बिल्कुल ये ना कि कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाए। और इसको हम थोड़ा सा टैप करेंगे। टैप करने से एयर बबल्स निकल जाते हैं, दूसरा पूरा अच्छे से लेवल आ जाता है। अब मैं इसको डाल रही हूँ माइक्रोवेव में। इसको हमने पावर पे रखा है जिसमें खाना गर्म करते हैं, सिर्फ 6 to 7 मिनट्स के लिए। पहले आप 6 मिनट्स के लिए रखिए। अगर आपको लगता है सेंटर में से थोड़ा सा कच्चा है तो आप थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा दे सकते हो, पर बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा देने से एकदम केक हार्ड हो जाएगा। आई हैव बीन विद रमनी मैम फ्रॉम पास्ट 1 मंथ एंड द एक्सपीरियंस हैज़ बीन ग्रेट। शी इज़ सच अ ग्रेट मेंटर कि आप यहाँ पे आओ, जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप जा नहीं सकते। सो पेशेंट की कैसे सिखाना है, कितनी बार सिखाना है, शी इज़ ऑलवेज देयर, हाथ पकड़ के सिखाएंगे, नहीं बनेगा तो यहाँ पे आके बनाओ, जब तक आप परफेक्ट नहीं होगे तब तक शी इज़ देयर विद यू। सो If you are planning to learn the skills, how to develop, how to be independent, how to make some delicious, extraordinary sweets, desserts or anything, you name anything and she can help you with it. So she is the perfect person to be with. अभी ये तैयार हो गया है। Exactly 6 मिनट्स में बनके रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट सॉस डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसको पूरा भर दो चॉकलेट सॉस के साथ, चाहे आप थोड़ा डाल दो। और फिर हम इसको प्रिक करेंगे ताकि सॉस जो है अंदर चले जाए और इसका अंदर तक चॉकलेट सॉस का टेस्ट आए। और फिर इसके ऊपर खूब सारी चॉकलेट को आप डाल सकते हो, थोड़ी चॉकलेट शेविंग बना के भर दो, थोड़ी आइसिंग शुगर डस्ट कर दो, वो आपके ऊपर है। इसको आप आगे कैसे इसको करना चाहते हो। और ये खाने में इतना टेस्टी होता है, इसको गर्म गर्म अगर ये बन के ठंडा हो गया तो भी आप इसको एक बारी जब भी आपने सर्व करना है विंटर्स में, इसको हल्का सा माइक्रो किया और इसके ऊपर आइसक्रीम के स्कूपर के साथ आइसक्रीम डाली और थोड़े चॉकलेट चिप वगैरह डाल के यू कैन सर्व इट। अभी हम सिंपल सी गार्निशिंग कर रहे हैं, ये हार्ट्स डाल रहे हैं। और हमारे पास काफ़ी कुछ होता है गार्निशिंग के लिए, बट मैं बहुत कुछ नहीं डालूंगी। ये सारा सामान है जो आप डाल सकते हो, कुछ भी इनमें से डाल सकते हो। ये नहीं कि आप सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल दो, वो अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। और अब हम इसको हल्का सा प्रिक भी कर लेते हैं ताकि ये अंदर तक सॉस चले जाए। अभी इसको प्रिक करने के बाद ना थोड़ा सा टाइम दो सेट होने के लिए, ताकि वो जो सॉस है वो अंदर तक चले जाए। फिर इसको आप सर्व करो आइसक्रीम के साथ, बिना आइसक्रीम के, जैसे आपका मन है।
चॉकलेट कर्ड केक बनके तैयार है। मेरे साथ इवनीत है, हम लोग केक टेस्ट करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे इस केक का अमेजिंग फ्लेवर। Amazing. बहुत बढ़िया केक है, बहुत ही माइल्ड स्वीटनेस है। अगर आप घर में केक बनाएंगे, इससे बेहतर केक आप नहीं बना सकते घर में इतनी जल्दी। 6 मिनट्स के अंदर ये पूरा केक रेडी किया है मिसेज रमणी ने, बहुत बढ़िया। इवनीत, आपका क्या रिव्यू है? The best part is the cake is eggless. So the people who don't eat eggs, so you get the taste, you get the texture, you get the sponge and the cake is eggless. So उससे बेटर डील आपको 6 मिनट में कभी नहीं मिल सकती। And ingredients बहुत ही सिंपल हैं जो कि घर में इजीली अवेलेबल है। So the people who have a sweet tooth, they have an easy option available just in 6 minutes.